तो जी स्वागत है आज का तकनीक संबंधी समाचार में यानी कि वेलकम टू टेक न्यूज इन शॉर्ट। और आज के न्यूज के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले खबर की बात करते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड के बारे में। तो एंड्रॉइड 12 जो आने वाला है उसका कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुका है, फोटो आप देखें किस तरह आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से पता चलेगा कि जो नोटिफिकेशन सेंटर है वो आपको कुछ अलग वैरायटी का देखने को मिलेगा, थोड़ा डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और आइकन में भी थोड़ा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं वो है एप्पल के बारे में। तो एप्पल का सीरी आपको पता होगा, तो वहाँ पे 14.5 का जो बीटा टेस्टिंग चल रहा है वहाँ पे अलाउ कर दिया थर्ड पार्टी म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए सीरी के थ्रू। पहले क्या होता है जो एप्पल का म्यूजिक प्लेयर था उसको आप कंट्रोल कर सकते थे सीरी के थ्रू, लेकिन अभी ये जो नया वाला आने वाला है यहाँ पे आप थर्ड पार्टी जितने भी हो गए आपका गाना.com हो गया सावन हो गया जितने भी म्यूजिक ऐप रहते हैं उनको आप वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं Xiaomi के बारे में। Xiaomi का Mi 11 ग्लोबल वर्जन जो था वो फाइनली लॉन्च हो गया और यूरोपियन प्राइस की बात करें क्योंकि ये यूरोप में ही लॉन्च हुआ है, यूरोपियन प्राइस की बात करें तो 65,000 से लेकर 70,000 के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और ये मे भी अगर इंडिया आएगा क्योंकि Mi 10 जो आया था उतना मार्केट में धूम नहीं मचा पाया था मी की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता है कि मी 11 का जो टॉप एंड वेरिएंट वो आएगा, लेकिन मी 11 लाइट जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगर ये आएगा तो मे भी 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करें वो भी मी के बारे में। तो मी का मी टीवी क्यू एडिशन वाला फाइनली लॉन्च हो गया, इसी के साथ जो मी 11 लॉन्च हुआ उसके साथ ही ये लॉन्च किया। इसका नाम है मी टीवी Q1 75 इंच का 4K वाला क्यू एलईडी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 1,14,000 इसका प्राइस रखा गया है। अगली खबर कहते हैं वो भी Xiaomi के बारे में है। और इसी जो यहाँ इवेंट था जो जिसमें फोन रिलीज किया गया उसमें बताया गया Xiaomi का आने वाले टाइम में यानी कि 2021 के अंदर ही इस साल के अंदर ही Xiaomi की तरफ से आपको टैबलेट देखने को मिल गए। पहले 2018 में लास्ट आया था पैड आईपैड नहीं तो मी पैड जो बोलते हैं वो आया था और उसके बाद बंद हो गया था, लेकिन 2021 में आपको इसी साल के अंदर Xiaomi का नया पैड देखने को मिलेगा मी पैड, लेकिन वो मी नाम से नहीं आएगा, रेडमी पैड नाम से आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ये भी अनाउंस करते हैं मी मिक्स का लेटेस्ट वर्जन भी आपको इस साल देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं वो भी Xiaomi की तरफ से और वो भी इसके लिए Redmi की तरफ से और वो खबर इंडिया के बारे में। तो Redmi का Redmi Note 10 में भी कल लॉन्च होने वाला है क्योंकि मनोज कुमार जैन जो है Xiaomi का CEO या फिर Redmi का ही बोल सकते हैं इंडिया हेड जो बोल सकते हैं वो यहाँ पे अनाउंस किए कि कल 10 फरवरी को 10:10 में सुबह को आपको कुछ अनाउंस होगा और बताया जा रहा है कि Redmi Note 10 आपको कल देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करें वो भी Redmi के बारे में। तो Redmi का K40 फाइनली का उसका डेट कंफर्म हो चुका है चाइना के अंदर कब लॉन्च होने वाला है, तो ये 25 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करें Asus के बारे में। तो Asus का ROG 5 फोन ये Geekbench में लिस्टिंग हो गया और यहाँ से पता चलेगा यहाँ पे आपको एक 16GB वाला वेरियंट भी आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं HTC के बारे में। तो HTC Wildfire E-Lite नाम से एक फोन साउथ अफ्रीका के अंदर लॉन्च हो गया है। फोन देखने में ये एंड्रॉइड गो एडिशन वाला फोन है और फोटो आप देख सकते हैं किस तरह एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, सादा सा और पुराना डिजाइन की तरह ये आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ खास नहीं है, पीछे तो आपको 2 कैमरा मिल जाता है, फ्लैश लाइट के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात करें तो 7,500 के आसपास इसका प्राइस रखा गया है। अगली खबर की बात करें पेट्रोनिक्स के बारे में। तो पेट्रोनिक्स एक नया चार्जर आईपैड और आईफोन के लिए लॉन्च कर दिया, 20 वाट वाला ये फास्ट चार्जर है और टाइप सी वाला पोर्ट आपको यह देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 1500 इसका प्राइस है, लेकिन अभी के लिए आपको 699 रुपए में अमेजन एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब आखिर में बात करते हैं रियलमी के बारे में। तो रियलमी का कल मैं बताया कि रियलमी का रेस सीरीज में रियलमी GT नाम से एक फोन आने वाला है और वो आज इंडिया में ट्रेडमार्क हो चुका है। जी हाँ, ट्रेडमार्क उसका किया गया है, रियलमी GT आप देख सकते हैं, स्टॉप लिस्ट ने इसको ट्वीट किया था, तो फोटो आप देख सकते हैं। तो बहुत जल्द इंडिया में आपको रियलमी GT फोन देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का स्वीट एंड शॉर्ट टेक्निक इन शॉर्ट यानी कि छोटा सा मीठा सा तकनीकी संबंधित समाचार। आई होप आपको पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर सकते हैं और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक्निक बाय यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।